वेलकम। देखिए, हम लोग लेबोरेटरी जो भी था, लेबोरेटरी लैब में जो होने वाला था कंपैक्शन इक्विपमेंट के बारे में जान लिए, और हम लोग फील्ड कंपैक्शन एंड इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। तो क्या कहता है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे एम्बैकमेंट एंड अर्थ, जब हम लोग एम्बैकमेंट बनाते हैं, अर्थ डैम बनाते हैं, सॉइल इज द फर्स्ट डैम डम डम्प्ड इन द फॉर्म ऑफ लूज फील एंड देन द कंपैक्टेड टू इम्प्रूव द डेंसिटी एंड एंड स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आप एम्बैकमेंट बनाते हैं या हाईवे बनाते हैं या रोड बनाते हैं, पहले तो सॉइल को चेक करना पड़ेगा ना कि क्या है उसका ड्राई यूनिट वेट, ये सब जो भी है कितना कंपैक्ट हो सकता है। तो उस सब के बारे में हम लोग उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने, इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये सब काम करते हैं। तो क्या होता है, इन द फील्ड सॉइल इज़ कंपैक्टेड बाय द अप्लाइंग द एनर्जी थ्रू द मैकेनिकल इक्विपमेंट। मैकेनिकल इक्विपमेंट से हम लोग इसको बढ़ा इम्प्रूव करते हैं। द एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल बाय द अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द इन वन ऑफ द फ्लोइंग थ्री वेज। अब तीन तरीका है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ बढ़ाने का, जो कौन कौन है देख लीजिए। पहला है यूजिंग द रोलर, आप रोलर को बुला के लाइए और देख लीजिए, चढ़ा दीजिए। और उसके बाद है यूजिंग द रेमर, रेमर से या द वाइब्रेशर से, वाइब्रेटर से। तीन चीज़ है जो कि ऑन द फील्ड शेयरिंग स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है सॉइल का बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ करते हैं। क्या क्या है, स्टैटिक प्रेशर, इम्पैक्ट या वाइब्रेशन। तो फिर कहते हैं द चॉइस ऑफ इक्विपमेंट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल एंड इकोनॉमिक। अब आपको छोटा सा गांव का, किसी गांव का या कस्बे का रोड बनवाना है तो वहाँ पे कैसे, तो वहाँ पे बड़ा सा आप थोड़ी रोलर मंगवाइएगा। मतलब छोटा सा गांव है, पतला सा रोड बनवाना है, मिट्टी कंपैक्ट करवाना है, तो वहाँ तो आप तो लेबर से ही करवा दीजिएगा। ठीक, तो जिस तरह का आपका सॉइल का टाइप है अगर देखना पड़ेगा, तो टाइप पर डिपेंड करता है, इकनॉमी पर भी डिपेंड करता है। और द मेन कंपैक्शन इक्विपमेंट अलॉन्ग विद द सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल नेचर ऑफ प्रोजेक्ट।